आप अपनी बिल्डिंग को तोड़ के दोबारा से नई बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, आपके यहाँ पार्किंग की भी समस्या है और आपकी बिल्डिंग भी पुरानी हो गई है, तो आज मैं आपको वास्तुशास्त्र के अनुसार और अपने अनुभव के अनुसार आपको अपनी बिल्डिंग बनाते समय किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैं डॉक्टर विपिन बंसल आज आपको नॉर्थ फेसिंग यानी आपकी बिल्डिंग आपका प्लॉट नॉर्थ फेसिंग है और साउथ में यानी दक्षिण में आपकी सर्विस लाइन लगती है, तो ऐसे में आपको बिल्डिंग बनाते समय किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, मैं आपके साथ जो चर्चा करूँगा मैं नीचे ग्राउंड फ्लोर यानी स्टिल्ट पार्किंग के बारे में चर्चा करूँगा। आपने अपने यहाँ पर मेन गेट कहाँ लगाना है, आपने अपने यहाँ पर जो मेन गेट लगाना है नॉर्थ ईस्ट के भाग में आपने अपना एक मेन गेट जरूर लगाना है, क्योंकि जब स्टिल्ट पार्किंग बनाते हैं तो कम से कम दो गेट जरूर लगाए जाते हैं। दूसरा गेट आपने नॉर्थ सेंटर में लगाना है। बिल्डिंग बनाने के लिए बोरिंग भी की जाती है, पानी की बोरिंग आपने नॉर्थ जोन में यानी दोनों गेट का जो पिलर बनता है उसके बीच वाले हिस्से में आपने पानी की बोरिंग करनी है, और वाटर हार्वेस्टिंग आपने वो भी नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के भाग में बनाना है। एक बात का जरूर ध्यान रखना है, जब आप गेट लगाएं तो आपके गेट वजन में हल्के होने चाहिए, जाली वाले होने चाहिए, और गेट की जो ऊंचाई है वो दीवार से यानी जो आपकी बाउंड्री वॉल है उससे ऊंचे नहीं होने चाहिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ पानी के अंडरग्राउंड टैंक आपने कहाँ बनाने हैं, क्योंकि आप चार फ्लोर बना रहे हैं तो उसके लिए चार वाटर टैंक बनाए जाते हैं। वो वाटर टैंक आपने ईस्ट सेंटर से नॉर्थ ईस्ट की ओर आपने चार वाटर टैंक बनाने हैं, और वाटर टैंक के जो ढक्कन बनते हैं वो ढक्कन जो आपका फर्श का लेवल है उसी के बराबर आने चाहिए, और ध्यान रखना है ढक्कन ऐसी जगह लगाएं जब गाड़ी पार्क करें तो गाड़ी का जो पहिया है वो ढक्कन के ऊपर ना आए। इलेक्ट्रिक मीटर आपने कहाँ लगाना है, इलेक्ट्रिक मीटर आपने अपने घर के साउथ ईस्ट के भाग में साउथ की दीवार पर या ईस्ट की दीवार पर लगाना है। स्टेयर्स और लिफ्ट आपने कहाँ बनानी है, स्टेयर्स और लिफ्ट आपने वेस्ट जोन में, यहाँ पर आपने स्टेयर्स और लिफ्ट बनानी है। स्टेयर्स बनाते समय ध्यान रखना है स्टेयर्स आपकी क्लॉकवाइज बननी चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि स्टिल्ट पार्किंग के अंदर एक टॉयलेट भी बनाई जाती है, वो टॉयलेट आपने लिफ्ट और स्टेयर्स के साथ में वेस्ट के भाग में यहाँ पर बनानी है, और टॉयलेट का फर्श का लेवल कम से कम 3 से 4 इंच ऊँचा होना चाहिए। इसमें आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जब आप टॉयलेट का फर्श का लेवल ऊँचा करेंगे तो टॉयलेट का जितनी आपकी टॉयलेट बनती है उसके लेवल से साउथ वेस्ट तक ये भाग भी आपने ऊंचा करना है। इसी के साथ मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, आपका इलेक्ट्रिक मीटर साउथ ईस्ट के भाग में नहीं लग सकता तो सेकंड ऑप्शन में आप वेस्ट की दीवार के साथ नॉर्थ वेस्ट की ओर यहाँ पर भी आप अपना इलेक्ट्रिक मीटर लगवा सकते हैं। आपने अपने यहाँ बैक साइड में यानी जो आपकी सर्विस लेन है उसमें आपने एक गेट जरूर लगाना है, और वो गेट आपने साउथ सेंटर से साउथ ईस्ट की ओर आपने एक गेट लगाना है। यहाँ पर यानी दक्षिण के भाग में जो गेट लगाएंगे गेट का जो साइज होगा वो चौड़ाई में कम होगा। इसी के साथ आपको ध्यान रखना है जो आपका साउथ में गेट लगेगा वो गेट आपका दोनों गेट के बीच का जो नॉर्थ के भाग में पिलर है इस पिलर की लाइन से इधर लगेगा और साउथ सेंटर से इधर रहेगा। आपकी सर्विस लाइन साउथ में यानी दक्षिण में है, और ज़्यादातर सर्विस लाइन के अंदर ही सीवरेज सिस्टम होता है। आपके यहाँ जो फर्श की ढलान है वो ऑटोमेटिकली साउथ की ओर जाती है, लेकिन ये वास्तु के अनुसार बिल्कुल गलत है। आपने ध्यान रखना है आपने अपने यहाँ पर जो स्टिल्ट पार्किंग आपकी उसकी जो फर्श की ढलान है साउथ वेस्ट से आपको नॉर्थ ईस्ट की ओर फर्श की ढलान लेकर आनी है, ऐसे ही नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर फर्श की ढलान लेकर आनी है। यहाँ पर आपका एक चैम्बर बन जाएगा और यहीं से एक पाइपलाइन फर्श के अंदर दबकर चली जाएगी, और वो पाइपलाइन आपकी सीधी बाहर साउथ के भाग में
निकलेगी। इसी के साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, जो आपके साउथ में दक्षिण के भाग में सर्विस लाइन है वो हमेशा ही आपकी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। आपके यहाँ सर्विस लाइन में कभी भी पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। जो आपकी सर्विस लाइन है, जो सड़क बनी हुई है, उसके जो फर्श की ढलान है वो सीवर में जरूर करें, ताकि आपके यहाँ पानी खड़ा ना हो। क्योंकि ज़्यादातर बिल्डिंगों में देखा जाता है, जब पीछे बैक साइड में सर्विस लाइन की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर गंदगी इकट्ठी होती है, पानी इकट्ठा रहता है। इसलिए आपने ध्यान रखना है, जब आप अपनी बिल्डिंग बनाएं तो बाहर पीछे की सर्विस लाइन की मरम्मत जरूर करें, और उसकी ढलान इस प्रकार से करें कि उसका सारा पानी, यानी जो बारिश का पानी आता है या वहाँ पर जो पानी इकट्ठा होता है, वो पानी डायरेक्ट सीवर में चला जाए। मैं हमेशा ही वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की भी जानकारी आप लोगों को देता रहता हूँ, और बिल्कुल सरल तरीके से सीधी सीधी बातें आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आपको यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को अपने सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली जितनी भी नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक और नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।